सो गाइस, कल मैं अपने कॉलेज में वॉश बेसिन पर अपने हाथ धो रहा था और तभी मेरी नजर एक छेद पर पड़ी। मेरा मतलब इस छेद पर, कुछ और मत समझ लेना। और इस होल को देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये वाला होल तो पानी जाने के लिए बनाया गया है, पर इस होल का क्या काम है? कहीं ये कॉकरोचेस का घर तो नहीं? तो मुझे लगा चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो असल में ये वाला जो होल है वो इस वाले होल से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। असल में ये वाला जो होल है वो इस बड़े वाले होल से कनेक्टेड रहता है और इस फोटो में आप देख सकते हो कि कैसे वो छोटे होल वाला पाइप बड़े होल वाले पाइप से कनेक्टेड है। पर ये अंदर का मामला है इसलिए हमें बाहर से दिखाई नहीं देता। और ये छोटा होल तब काम आता है जब बड़ा वाला मेन होल किसी वजह से ब्लॉक हो जाए और पानी उस होल से पार ना हो पाए। और अगर कोई गलती से पानी का नल खोलकर भूल जाए तब मेन होल ब्लॉक होने के कारण वो पानी बेसिन से ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाएगा और पूरा का पूरा रूम स्विमिंग पूल बन जाएगा। और तभी ये छोटा होल काम आता है जो कि पानी को दूसरे रास्ते से बाहर भेज देता है, जिससे अगर कोई पानी का नल बंद करना भूल भी जाए तब भी पानी बेसिन से ओवरफ्लो कभी नहीं होगा और रूम भी स्विमिंग पूल बनने से बच जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब।